मत मानिएगा, नहीं नहीं बोलिए, लोग रहते हैं कि जैसे घायल चीजें पाते हैं, मांस का सेवन सब लोग करता है, तो ये मन में ख्याल नहीं आया था कि मतलब ये कुछ घायल चीज मिला है इसको। ये देखिए, अभी तक पूरा कवर नहीं हुआ है, देखिए ये देखिए, ये हाँ। वाला पैर था जो टूटा हुआ था, क्योंकि हम कोई डाक बाजार जाते हैं बाइक से तो मेरे साथ ऊपर ऊपर उड़ के जाता है, हम जब खाना खाते हैं तो एक ही प्लेट में दोनों लोग खाते हैं, हम जब नहाने जाते हैं तो बाथरूम के बाहर मेरे खड़ा रहता है, बहुत तेज से काटने दौड़ता, घर के सारे लोगों को काटने दौड़ता, सिर्फ हमको छोड़ के। मतलब उड़ने का प्रयास नहीं किया क्या, जब पैर ठीक हो गया तो मेरा थोड़ा सा मैं उड़ जाऊँ? तो देसी इलाज में क्या किया, हल्दी वगैरह जो चीजें? हाँ, यही घरेलू चीज जो होती है, हल्दी और बांस वांस का थोड़ा फर्चा वर्चा बना। हम डर रहे थे हो सकता है काट वाट ना ले कहीं, तो मगर जब इसके नजदीक गए देखा इसका एक पैर टूटा हुआ है और मतलब खून बहुत तेज से उसमें से बह रहा था। इस दुनिया में दोस्ती की मिसालें तो बहुत मिलती हैं। राम जी सुग्रीव की दोस्ती बहुत फेमस है, राम जी हनुमान जी की दोस्ती बहुत फेमस है, इसके अलावा और भी इतिहास में देखें तो दोस्ती की बहुत सारी मिसालें दी जाती हैं। और एक दोस्ती हमारे भाई साहब हैं, इनकी है, इनके दोस्त का बहुत ही विचित्र नाम है और बहुत ही विचित्र चीज है। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। जी धन्यवाद, आप लोग इतनी दूर से चल के आए। हाँ, ये आपका जो दोस्त है वहाँ पर खड़ा है, आप देख रहे हैं, एक सारस है, इनका दोस्त है। वैसे लोग जानवर पालतू जानवर पालते हैं, ये आपका दोस्त है? दोस्त है जी, मेरा दोस्त है। क्या नाम है इसका, इसका भी नामकरण नहीं है तो हमें बस जवानी में मिला था, बचपन में नाम रखा जाता है। हाँ सही कहा आपने, तो ये कब से मिला है, कब मिला, कितना दिन हो गया इसको? इसको मिले लगभग एक साल हो गए, जहाँ हम लोग खड़े हैं। अच्छा, कैसे मिला था ये? जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ 100-150 मीटर की दूरी पे मेरा एक खेत है। अच्छा। वही खेत में गए हुए तो वहाँ हमको ये मिला था। इसका समय दोपहर, सुबह, शाम? नहीं, शाम का टाइम था, लगभग रात नहीं हुई थी, शाम का टाइम था। तो हम गए थे तो वहाँ खेत में देखा कि कुछ पड़ा हुआ है, जब पास गए देखा पक्षी है, फिर और गए तो देखा कि मतलब इतना बड़ा पक्षी है, फिर तो डर रहे थे शुरू में कि उतना ही बड़ा था। हाँ, जितना बड़ा है इतना बड़ा था। अच्छा। तो हम डर रहे थे हो सकता है काट वाट ना ले कहीं, तो मगर जब इसके नजदीक गए देखा इसका एक पैर टूटा हुआ है और मतलब खून बहुत तेज से उसमें से बह रहा था, तो इसलिए जो है वो काटने की अवस्था में नहीं था हमको कि काट ले, तो इस वजह से अपने घर लेके आए। घर लाने के बाद देसी इलाज जो घर में हो सकता है वही हम इसके साथ। तो देसी इलाज में क्या किया, हल्दी वगैरह जो चीजें? हाँ, यही घरेलू चीज जो होती है, हल्दी और बांस वांस का थोड़ा फर्चा वर्चा बना के चारों तरफ से पतला कपड़े से, उसके बाद पैर भी पूरा टूट गया था। हाँ, वो टाइप से बांध के वैसे कर दिया हमने, 1-1.5 महीने में रिकवर हो गया, सही हो गया। मतलब जी, तब से आपके पास ही है? मतलब उड़ने का प्रयास नहीं किया क्या, जब पैर ठीक हो गया तो मेरा थोड़ा सा मैं उड़ जाऊं? नहीं, दरअसल बात ये ऐसी होती है इन पक्षियों के साथ कि जब तक ये इनका पूरा पैर सही नहीं होगा तब तक ये उड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि एरोप्लेन की तरह होते हैं, पहले रनवे पे दौड़ते हैं उसके बाद उड़ते हैं, और उतरते हैं तो फिर मतलब पहले जमीन पे फिर दौड़ते रहे। हाँ जी, ऐसा होता है। हाँ, फिर रुकते हैं, इसलिए जो है जब पैर टूटा हुआ तब तक उड़ नहीं सकता, जब पैर इसका ठीक हुआ तो ये उड़ने का प्रयास किया, फिर उड़ के गया भी, हम सोचे अब चला गया, हम भी चाहते चला जाए अपने परिवार में रहे, पर ये गया नहीं, फिर हमको छोड़कर हम जहाँ जाते हैं बाजार जाते हैं बाइक से तो मेरे साथ ऊपर ऊपर उड़ के जाता है, हम जब खाना खाते हैं तो एक ही प्लेट में दोनों लोग खाते हैं, हम जब नहाने जाते हैं तो बाथरूम के बाहर मेरे खड़ा रहता है, मतलब जैसे जैसे हम रहते हैं हमेशा ये मेरे साथ ही रहता है। अच्छा, शुरू के दिनों से जब ठीक हो गया तब से ये इसने इस तरह करना शुरू किया, इसके बाद धीरे धीरे आदत पड़ती पड़ती? नहीं, एक बैग तो नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ती पड़ती, पहले ऐसे पैदल गांव में जाते थे जाता था, फिर जो है थोड़ा और दूर जाने लगा, फिर बाइक से जाए तब जाने लगा, फिर साथ खाना खाने लगा, फिर बाद मतलब धीरे धीरे होता गया, पूरा एडिक्टेड हो गया आपका। ये बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, इसके चोच तो काफी बड़े हैं। जी जी, चोच जो काफी बड़े हैं इसके, और काटने भी दौड़ता है। अच्छा जी, बहुत तेज से काटने दौड़ता, घर के सारे लोगों को काटने दौड़ता, सिर्फ हमको छोड़ के। हाँ जी जी, सब तो मतलब कि खाना पीने का सारा कुछ आप ही करते हैं? खाने को पीने का सब हम ही करते हैं, अगर हम नहीं होते हमें गैर मौजूदगी में तो घर का कोई भी अदर पर्सन ला के खाना रख देता है, जैसे दूर कहीं है तो जाके खा लेता है, फिर हम रहते हैं तो हम अपने हाथ से खिलाते हैं। जी अच्छा, आपके बारे में बात करें तो आप क्या करते हैं? हम घर ही में रहते हैं, खेती किसानी करते हैं, और एक हमारे पास एक कंबाइन मशीन है, हार्वेस्टर, धान गेहूं काटने वाली, इसी को चलवा लेते हैं, लोकल में चलवाते हैं। हाँ, लोकल में चलवाते हैं, यही कहीं जाते नहीं, हम अपना काट लेते हैं और दूसरों का। जी अच्छा, एक चीज और है इसके बारे में बात करें तो, ये सीजनल पक्षी है, कहीं से उड़ के आता और आते हैं, और कौन सा समय था जब मिला था ये? ये लगभग यही महीना था। अच्छा। 1-2 महीने, मतलब एक साल अभी पूरा नहीं हुआ, होने वाला है एक साल जी मिले। तो ये ठंडी एरिया से गर्म एरिया की तरफ आते हैं फिर वापस चले जाते हैं, है ना? ज्यादा जानकारी इसके बारे में हमको नहीं है, कहाँ से कब आते हैं। ये सारस है ना? जी सारस है, एकदम ऐसा ही होता है जी, सारस है। और इसका जो पैर टूटा हुआ था, कैमरा मैन अपने कैसे दिखा दे हम, ये देखिए अभी तक पूरा कवर नहीं हुआ है, देखिए ये देखिए, ये वाला पैर था
जो टूटा हुआ था, क्योंकि हम कोई डॉक्टर तो है नहीं जो एकदम ठीक कर दें सही से, मतलब जैसे आए बांध दिया, कुल मिला के चलने योग्य उड़ने योग्य इसका हो गया है बस। जी अच्छा एक चीज और भी है कि वैसे बुरा मत मानिएगा, नहीं नहीं लोग रहते हैं कि जैसे घायल चीजें पाते हैं, मांस का सेवन सब लोग करता है, तो ये मन में ख्याल नहीं आया था कि मतलब ये कुछ घायल चीज मिला है इसको। समझ रहे हैं। हाँ। मगर ये जैसे हाथ है हमारा, पांच उंगलियां इसमें, पांचों इसमें बराबर नहीं है, ये अपने अपने सोचने की वो है। हम एक अपने इंसानियत के नाते जो इंसानियत का धर्म होता है हमने निभाया, इसको लाके घर में ठीक किया, आज आपके सामने है। बाकी मांस मछली खाने वाला तो कोई भी खा सकता है, सब लोग नहीं खाते, पांच उंगलियां पांचों बराबर नहीं, जिसका दिल करे। आपने जब आपकी न्यूज हम देख रहे थे तो हमको एक ही चीज ध्यान में आ रही थी कि एक समय वो था सिद्धार्थ थे जो गौतम बुद्ध इस समय है, उन्होंने भी इसी तरह से सेवा करी थी, और एक आप हैं, कैसा लग रहा है इसको अगर तुलना करे कोई तो? अब तो हमको इतना अच्छा लग रहा है कि हम बता ही नहीं सकते शब्दों में शब्दों उसको बताया नहीं जा सकता कि जो कुछ भी हुआ है सब इसी की वजह से हुआ है। और हमने तो इंसानियत के नाते जो एक धर्म होता है इंसानियत का, एक दूसरे की मदद करना, हमने वही सोच के किया था। हमको ये नहीं पता था इसकी मदद करेंगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो भी करता है वो सही करता है। आपके हाथों में इसका जस लिखा हुआ था, और कुछ ऐसी बातें हो जो इसके बारे में आप बताना चाहें हमें? जैसे हमको कहीं जाना हो बाहर दूर, फिर तो दूर जैसे रोड पे ट्रैफिक होती है, खासा दूर जाना हो तो हम इसको नहीं लेके जाते, तो हम पैदल पैदल अपने घर के पीछे वाले गेट से बाहर निकल जाते हैं, और ये देख नहीं पाती अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल किसी दूसरे से लड़के से मंगा के हम रास्ते में ले लेते हैं, चले जाते हैं, इसको पता नहीं चलता। जब इसको पता चलता है कि काफी देर हो गया दरवाजे पे नहीं दिखाई दे रहे हैं या आवाज नहीं सुनाई दे रही, तो फिर जहां से गांव का मोड़ है हमारे रोड पे वहीं जाके खड़ी होती है। जब शाम को वापस आते हैं तो आती है, अगर हमको आने में रात हो जाए तो फिर शाम होने से पहले घर चली जाती है। जब रात में हम आते हैं वापस घर पे तो मेरे पास आके ऐसे ऐसे पंख करती है, उसके बाद चोंच ऐसे ऐसे करती है, मेरे चारों तरफ दौड़ती है, फिर दौड़ के उतनी दूर जाएगी, फिर मेरे पास आएगी, ऐसे लगभग 10-15 मिनट तक करती है। फिर हम उसको खाना वाना खिलाते हैं, घर में खाना पहले से खाई रहती है, मगर जब मैं आता हूँ चाहे 12 बजा रहे, चाहे रात में 1 बजा रहे, चाहे 2 बजा, जितने टाइम बजा रहा है, मतलब हम चाहे दो ही टुकड़ा इसको खिलाएं, पर बगैर खिलाए कभी हम सोते नहीं इसको। जी मतलब ये देखिए कि कितना किसी को कोई मान सकता है, आपने एक उसका जीवन प्राण बचाने वाले है, यही कारण हो सकता है कि इस तरह आपको प्यार करती है, हो सकता है कुछ भी। जी जी ऐसा ही हो सकता है। और कुछ खाने में क्या क्या चीजें खाते हैं? खाने में हम इसको जो हम खाते हैं दाल चावल सब्जी रोटी, हाँ यही खिलाते हैं। और जैसे हम सुबह जो है अंडा खाते हैं तो व्हाइट वाला हम खा लेते हैं, पीला वाला इसको खिला देते हैं। जी और ये फीमेल है कि मेल है, कैसे पता चला? ये मेल है क्योंकि अपने जो परिवार में भी जाता है कभी कभी, कभी कभी जाता है, हमने कई बार देखा है, और जो है फिर वापस आ जाता है, वापस आ जाता है शाम होने से पहले, वापस आ जाता है, वो लोग जहाँ जाना हो चले जाएं, ये अपने घर सीधा मेरे घर वापस आ जाता है, जाता है बहुत बार जाता है, मतलब सैकड़ों बार गया हुआ है, जब इसका दिल करता है चला जाता है। ये लोग जब हम दिन भर में अभी घर में है, दिन भर तो ये नहीं जाएगा, अगर हम कहीं चले जाएं अभी तो थोड़ी देर न दिखा हो सकता है चला जाए आस पड़ोस में कहीं, वो चला जाए मगर शाम होने से पहले वापस आ, आज तक कोई ऐसा दिन नहीं गया हमको ढूंढ के लाना पड़े इसको कि आज नहीं आया जाए, देखे कहाँ है कहाँ नहीं, ऐसा दिन अभी कभी नहीं आया। सही कहा इन्होंने, जैसे कि कुत्ते बिल्ली लोग पालते हैं, पशु बहुत सारे जो जीव है उनको पालते हैं, कोई खरगोश पालता है, कोई इस तरह का पालता है, तो एक अच्छा इन्होंने बहुत ही फेमस हो रहे हैं, इन्होंने सारस पाल रखा है, सारस पाल रखा है या फिर अपने से पला गया है? कुछ लोग कह रहे हैं नहीं पाले नहीं, हमको मिल गया था ऐसा, हमने इसकी सेवा की और ये मेरे पास साथ नहीं छोड़ रहा, रह रहे हैं, हम चाहते हैं अगर जाना चाहे तो चला जाए अपने परिवार के साथ रहे, सब लोगों को अपने परिवार के साथ रहना अच्छा लगता है, मगर हमको ये लगता है अपना जोड़ा हम ही को मान लिया है। जी जी हमको ऐसा लगता है अपना जोड़ा हमको मान लिया है, इसलिए नहीं छोड़ के जाना चाहता। एक साल पहले आपने लगभग इसको पाए थे आप, और वायरल अब हो रहे हैं जी, पहली वीडियो कैसे वायरल हुई, वायरल होने के पीछे कहानी? पहली वीडियो एक सुल्तानपुर के है मेरे सोएब भाई, वो पहले से उनसे परिचय तो नहीं था, हम गए थे गौरीगंज, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, वहीं गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे, जब उनकी ये भी गया था, हाँ ये भी गया था साथ में, जब उनकी गाड़ी हमारी बाइक क्रॉस की, उसके बाद वो फोर व्हीलर से थे, तो उसके बाद जब हमारी पहले बाइक क्रॉस हुई उसके बाद पीछे से ये क्रॉस हुआ, तो उनको लगा कहीं ना कहीं ये जो पक्षी जा रहा है जो इन्हीं के पीछे जा रहा, तो पीछा करते हुए वीडियो बनाते तक वो हमारे घर तक चले आए, घर आने के बाद थोड़ा इंटरव्यू हमारे लिए वही छोड़ दिए नेट पे जाके, कहीं छोड़े मतलब न्यूज चैनल पे छोड़े, ऐसे कुछ छोड़े नेट पे, सुल्तानपुर टुडे नाम से चैनल है उनका एक, उस पे छोड़ दिए, तो वो वीडियो वायरल हो गई, एक दिन में 8 मिलियन चली गई। जी जी एक दिन में 8 मिलियन शॉर्ट थी कि बड़ी वाली? नहीं
छह सात मिनट की थी। वो जो है 8 मिलियन एक ही दिन में चली गई, तो फिर सब लोगों को पता चल गया। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, मतलब कि इस तरह कोई सारस पहली बार सुनने में आ रहा है। जी, और जब शाम को वीडियो शायद अपलोड किए थे तो हमने देखा था कि हमने पहले, हमको अच्छा लगा था कि पहली बार मतलब किसी न्यूज के माध्यम से, बड़े बड़े न्यूज चैनल तक से आज तक वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ चुके हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है आज तक, जैसे है NDTV है, BBC है, NIA है, PTI है, मतलब सब लोग, हमको जहाँ तक हमको जानकारी है अपने इंडिया के बारे में, लगभग लगभग बड़े चैनल कोई बाकी नहीं जो ना आया हो। जी, अच्छा, ऐसे लोगों क्या कहना चाहेंगे जो लोग थोड़ा सा आप एक इंसानियत का बहुत अच्छा फर्ज निभाए हैं और एक जीव बचाए हैं, जान बचाए हैं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्वाद के लिए मार के खा जाते हैं, ऐसे लोगों को कुछ संदेश देना चाहें? हम ऐसे लोगों को कहना चाहेंगे कि जो पशु पक्षी होते हैं ये भगवान का दूसरा रूप होते हैं शायद, ये अपना अपना जो माने भाई, अपना अपना मानना है, तो इनको मार के खाना नहीं चाहिए, जो है इनकी सेवा करनी चाहिए। अगर सेवा भी ना करें तो मारना नहीं चाहिए। अगर जो व्यक्ति हो, पक्षी हो, पशु हो, अगर परेशान रहे, हो सकता है उसकी मदद कीजिए, कहीं ना कहीं उसका जो है फल ऊपर वाला आपको देगा। जैसे आपको मिला है इसका फल, आपने इसको बचाया है और इसके कारण आप वायरल हो रहे हैं, काफी वायरल हो गए और पूरे भारत को पता है कि कोई आप लोगों की दुआ से हुआ है। बिल्कुल, कोई अमेठी में है जिसने सारस पाल रखा है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो, आपको इस क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।